ये आपको दिखाई जो दे रहा है बड़ा पैनल, ये कंट्रोल पैनल है जिसे FHU कंट्रोल पैनल बोलते हैं। ये पीछे देख सकते हैं बैकग्राउंड में FHU है, ठीक है। अब हम बताएंगे कि ये कैसे स्टार्ट होता है। सिंपल तरीका है स्टार्ट करने के लिए, सिंपल तरीका हम जो हम आपको बताने वाले हैं। तो पहले तो देख लेंगे कि सप्लाई आ नहीं कि नहीं, यहाँ पे देखेंगे सप्लाई है या नहीं है, सप्लाई चेक करेंगे। अब देखिए मैं ये सप्लाई है इसमें, क्योंकि लैंप जल रहा है रेड येलो ब्लू, ठीक है। इसके बाद से हम चालू करवाएंगे इसको। इसके अंदर के सारे डिवाइस को आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही कास्टली डिवाइस होते हैं। ये जो फर्स्ट नंबर पे लगे हुए हैं सारे फ्यूज हैं, ठीक है। ये डंपर का फ्यूज है और ये देखते हैं आप ट्रांसफार्मर है, और ये जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है आपको, ये सारे रिले हैं, ठीक है। 24 वोल्टेज रिले, और ये जो है इनकमर का मेन सप्लाई जो आता है कंट्रोल पैनल में, उसका एक इनकमर कट ऑफ यहाँ से होता है, ठीक है। यहाँ से नीचे जाते हुए नीचे ये मेन स्विच है जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होकर इधर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होता है और हमारे कंट्रोल पैनल को चलाने में मदद करता है। आप देख सकते हैं इसमें 3 LCB लगा हुआ है। मान लीजिए हमारा कहीं अर्थ लीकेज हुआ तो इसके लिए तुरंत जो है सप्लाई ऑफ हो जाएगा। 2 MCB है। अब हम आपको दिखाते हैं कैसे ऑन होगा। चलिए ऑन कीजिए, एक मिनट। देखिए सप्लाई ऑन हो चुका है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 6 बटन है, 3 रोटरी स्विच है और 6 लैंप है। इसमें से ग्रीन है, रेड है तो ग्रीन से स्टार्ट होता है। अभी इस समय हमारा डंपर ओपन हो रहा है, यहाँ पे डंपर देख सकते हैं ओपन हो रहा है। डंपर ओपन हो चुका है, इधर हमारा FHU ऑन हो गया, सप्लाई फैन ऑन हो गया। देखिए आपको आवाज सुनाई दे रहा होगा क्योंकि FHU ऑन हो चुका है। अब स्टैक्ड फैन चालू होगा, इसके बाद स्टेक्ट भी चालू हो गया। हीट व्हील चालू होगा, इसमें 3 स्विच है। तीनों स्विच को रोटरी स्विचों को हमने हैंड मोड में किया है, क्योंकि हैंड मोड में ही आप चालू से कर सकते हैं बटन से, अन्यथा जो ऑटो मोड है उसमें आप सिग्नल जब मिलेगा DDC से तब ऑन होगा FHU, जब फायर होगा तब। बाकी सारे सिस्टम हमारा काम कर रहे हैं, FHU काम कर रहा है, FHU के सारे मोटर जो है चल रहे हैं, ठीक है। ये देख सकते बहुत बड़ा FHU है, छोटा नहीं है। इसका ये डंपर जो है आउटडोर डंपर है, ये सप्लाई डंपर है, वो स्टैक्ड डंपर है। देखिए सप्लाई है, यह है डिफरेंशियल स्विच जिसे DP स्विच करते हैं। ये हवा के दबाव को बताता है, किधर हवा का दबाव कितना है। ये सेंसर लगा हुआ है, इधर 3 सेंसर दिखाई देगा आपको, 1, 2, 3। एक HRW ऑन कॉइल, HRW ऑफ कॉइल, ठीक है। एक ऑन कॉइल ऑफ कॉइल, यान कॉइल ऑफ कॉइल का। ये देख सकते हैं बहुत सारे डिवाइसेस इसमें लगे हुए हैं, ताकि वो पता चलेगा कि हमारा कौन सा फैन कैसा काम कर रहा है। ये सब DP स्विचें हैं,
फुल नाम है डिफरेंशियल प्रेशर स्विच। ये हमारा स्टेक्ट फैन फिट फ्रॉम OHU AC3 लेवल 16 से आ रहा है, ठीक है। ये सब इनकमर है जो कि मोटर को चालू करने के लिए सप्लाई दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि तीन मोटर हैं हमारे, तो तीनों मोटर के तीन इनकमर लगे हुए हैं। और ये चीलर की सप्लाई आती है इधर से, चील वाटर सप्लाई ये है, देखिए इधर लिखा हुआ है चील वाटर सप्लाई, और ये चील वाटर रिटर्न है। इधर से सप्लाई आती है और इधर से सप्लाई रिटर्न होके चली जाती है चीलर में, और खूब अच्छा से चील होके पानी आता है, ठीक है। स्टेक्ट का डंपर है जो कि गर्म हवा को बाहर फेंक देता है मिक्स करके, और ठंडे हवा को इधर से सप्लाई दे करके हर रूम में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो कि एकदम फ्रेश और कूल एयर रहता है। देखिए देखो